हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप योर लॉडिंग वेल तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है मीशा हॉल पे जिसमें मैं आपको सारे बैग्स दिखाने वाली हूँ जिसके साथ मैंने स्टाइलिंग भी करी है आपको थोड़ा सा मतलब एक एक आ, लुक देने के लिए जो भी चीज़ें डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी डिटेल ऑन स्क्रीन होगी मीशो पे कोड्स होते हैं लिंक नहीं होते तो लिंक मत ढूंढना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड्स मैंशन करे हुए मैंने ऑन स्क्रीन वहीं से आपको वो कॉप मतलब कॉपी तो नहीं हो सकता उसको मतलब कि आपको टाइप करना है मीशो में जाके उसकी ऐप में तो चलते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये स्लिंग बैग सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ स्लिंग बैग इस पूरे हॉल में यही है बाकी सारी चीज़ें अंडर एट हंड्रेड ही हैं स्टार्टिंग जो है वो उस से मैं कर रही हूँ जिसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो टू एटी एट रुपीज़ में मैंने इसको बाई किया था बाकी आगे मैं मेंशन कर में ही दूंगी इसका कोड और इसके प्राइस भी तो ये स्लिंग बैग जो है इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है मैं पहले ही आपको बता दूँ यानी कि जो फ्लैप आएगा ना वो अलग अलग कलर्स का है इसमें इतनी लंबी बेल्ट दी हुई है अंदर इसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है बस ये है कि कुछ जैसे बैग में ऊपर एक चैन होनी चाहिए ना अंदर भी वो चैन नहीं है इसमें तो आप कोई चीज़ छोटी मोटी खुली नहीं रख सकते हो बाकी वैसे ये पूरा कवर हो जाता है अंदर छोटी सी चैन है जिसमें आप अपने पैसे रख सकते हो कार्ड्स वगैरह बाकी मोबाइल और छोटा अगर वॉलेट आप इसके अंदर कैरी करते हो जिसमें आपके कार्ड्स रहते हो या जो भी चीज़ें हैं तो आप इसमें आराम से कैरी कर सकते हो टू एट्टी एट रुपीज़ में पूरा नहीं है ये स्लिंग बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है आगे मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कैरी करके कैसा लग रहा है तो ये अब देखेगा आपको कि कैसा लग रहा है तो इस तरीके से मैंने इसे कैरी किया है छोटे वाले उससे पकड़ के जो उसमें आई है तो उसमें बेल्ट मैंने नहीं लगाई है आप चाहो तो लंबी वाली बेल्ट लगा सकते हो पर मुझे इस तरीके से ही स्टाइल करके अच्छा लगा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कलर्स इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं और इसका जो एक फैब्रिक है वो पी दे रखा है आते मेरे नेक्स्ट बैग पे जो कि है ये इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं बहुत बहुत सारे मतलब बहुत सारे कलर्स है इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्लोरल मतलब जो फ्लावर बना रखा है इन्होंने ऊपर बहुत ही क्लियर है इसकी फिनिशिंग सब कुछ और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि सबसे पहले मतलब कि इस बैग का जो फैब्रिक है Uh, मुझे नहीं पता वो ऐसा कैसा है वैसे पी दे रखा है पर इतना ही मतलब एक स्लिपरी सा फैब्रिक है यानी कि ऐसा फैब्रिक है कि जिसे आप रख के भूल जाओ बैग को तो ख़राब नहीं होगा वरना जनरली बैग में ना पपड़ियाँ उठने लगती हैं अगर आपने कभी ऐसा बैग देखा हो जो ख़राब हुआ हो आपके पास तो आपको पता होगा क्योंकि मेरे बहुत बैग ख़राब हो चुके हैं तो ये मटेरियल ऐसा है देखो आप दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा पीछे इसमें एक चैन है जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो दो कंपार्टमेंट्स हैं बिल्कुल सिक्योर हैं कुछ भी बाहर नहीं गिरेगा छोटा बड़ा कैसा भी सामान इसमें रख सकते हो दो कंपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट हैं अंदर एक लंबी बेल्ट भी है जिसे आप मतलब एक अगर आप लॉन्ग बेल्ट के साथ कैरी करना चाहते हो कर सकते हो वरना शॉर्ट बेल्ट तो दे ही रखी है बाकी इसमें अंदर भी एक फैब्रिक दे रखा है कपड़ा दे रखा है वो बहुत काफ़ी अच्छा फैब्रिक है अकॉर्डिंग टू द प्राइस मीशो पे जो बैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं लोगों को लगता है कि मीशो पे सस्ता सामान मिलता है तो अच्छा नहीं होता होगा जिन्होंने मीशो से शॉपिंग करी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा उस पर बहुत अच्छा सामान भी मिलता है मैं हमेशा आप लोगों को एक रिकमेंडेशन ये देती हूँ एक सजेशन सॉरी कि जब भी मीशो से शॉप करो कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो नीचे रिव्यूज़ ज़रूर चेक करो कि रियल रिव्यूज़ हैं या नहीं है तो वो रियल रि... उसमें कैसा लग रहा है कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो कपड़ा हो किचन आइटम हो चाहे बैग हो शूज़ हो कुछ भी हो कैरी करके आपको मैं बैग दिखा रही हूँ ये बैग काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये टॉप वगैरह पसंद आ रहे हो तो इसका हॉल मैंने मीशो का डाला था जिसे लोगों ने नहीं देखा भगवान जाने क्यों उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कमेंट में अपना पिन कर दूँगी प्लीज़ इसको जाके देख लेना तो आते हैं मेरे नेक्स्ट पैक पे जो कि है ये वाला स्लिंग बैग ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मैं बताती हूँ क्यों मैंने सेम स्लिंग बैग ज़ारा पे देखा था ऑब्वियसली ज़ारा के रेट काफ़ी हाई हैं ठीक है एच एन एम के भी काफ़ी हाई हैं मतलब ये हाई एंड ब्रांड्स हैं बाकी मतलब हमारे अकॉर्डिंग हाई एंड ब्रांड्स हैं एल वी की बात नहीं कर रही हूँ जै बाकी इसमें एक चैन दे रखी है जो कि थोड़ी सी टाइट है खुलने बंदने बंद होने में पर वो ये जब नया बैग होता है जब आप रेगुलर यूज़ करने लगते हो तो वो कंफर्टेबल हो जाता है इसका जो एक मटेरियल है ना लेदर जैसा ही है पर ऑब्वियसली रियल लेदर तो नहीं मिलेगा ना इतने में और रियल लेदर चाहिए भी किसे वैसे तो पी मटेरियल दे रखा है पर हर तरह हर बैग का मटेरियल जनरली पी दे रखा है पर इनकी पी की डेफिनेशन दे हर बैग के फैब्रिक के साथ चेंज हो रही है तो अगर मैं अपनी भाषा में से एक्सप्लेन करूं तो ये वाला ना जो फैब्रिक है इसका मटेरियल है बैग का सॉरी ये बहुत ही प्यारा सा मटेरियल है स्ट्रॉन्ग मटेरियल है स्टडी सा अंदर छोटी सी चैन है जिसमें आप सामान रख सकते हो और एक बड़ा सा कंपार्टमेंट है बस ये दो ही चीज़ें हैं इसमें ओवरऑल कम चीज़ें मतलब मोबाइल आ जाएगा लिपस्टिक आ जाएगी कॉम्पैक आ जाएगा और थोड़ा बहुत आइटम और भी आ जाएगा इसमें आप आराम से कैरी कर सकते हो आगे मैं आपको दिखाऊँगी तो ये जो टॉप मैंने वेयर किया है ये भी मैंने मीशो से लिया था तो ये जो बैग आप देख रहे हो ना ये स्लिंग बैग इस तरीके से मैंने इसे कैरी किया है बाकी काफ़ी प्यारा स्लिंग बैग है इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर कलर परचेज़ कर सकते हो मुझे फोर सिक्सटी टू का पड़ा तो मैंने मेंशन आपको कर दिया कोड आपको यहीं पे लिखे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेंगे प्लीज़ यहीं से कर लेना बहुत डबल मेहनत लगती है कि ऑन स्क्रीन पर मैंशन करो डिस्क्रिप्शन में भी करो और जब व्यूज़ कम आते हैं ना दिल में बहुत दर्द होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी व्यूज़ नहीं आते तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है ये वाला स्लिंग बैग ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपने अदर हॉल्स में भी देखा होगा मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें भी कलर्स की वैरायटी बहुत बहुत सारी है इसमें मतलब वाइट है ब्लैक है थोड़ा सा सिल्वर या ग्रे है लाइट ब्राउन है या क्रीम कलर है कुछ उस तरीके से है मतलब कलर्स अवेलेबल है इसमें इस तरीके से ये दे रखा है आपका अंदर इसमें चैन नहीं है प्रॉपरली जो चैन से कवर होता है एक बैग वो नहीं है अंदर कंपार्टमेंट तो उसका बड़ा है नो no डाउट पर आप इसमें कोई ऐसी चीज़ें छोटी मोटी नहीं रख सकते आप सिक्के यानी कॉइन्स वगैरह इसमें रख सकते हो पैसे रख सकते हो बाकी अगर मोबाइल वगैरह रखोगे और छोटा क्लच इसके अंदर भी कैरी करोगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सामान हो तो वो नहीं निकलेगा बाकी बैग उल्टा करने के लिए मैंने नहीं बोला है कि आप चलते चलते उल्टा कर दोगे तो सब कुछ निकल जाएगा मटेरियल इसका काफ़ी कंफर्टेबल है काफ़ी अच्छा आप इसे आराम से, से कैरी कर सकते हो आगे मैं आपको कैरी करके दिखा दूंगी मैंने इसको कैसे कैरी किया है बाकी गाइस बहुत अच्छा बैग है अफोर्डेबल रेंज में है थ्री फिफ्टी रुपीज़ में मुझे बैग पड़ा है और यही बैग इस तरह के बैग आपने देखे होंगे मिंत्रा वगैरह पर बहुत हाई प्राइस है तो ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है बहुत छोटा नहीं है बहुत बड़ा नहीं है जैसे कि एक स्लिंग बैग का एक साइज़ होना चाहिए प्रॉपर वो है तो मैं इसे हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ आते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट बैग पे मोस्ट सेकंड फेवरेट एक्चुअली पहले वाला जो है वो आगे आने वाला है ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा स्लिंग बैग इसका जो मटेरियल है हल्का सा शाइनी वाला है ऊपर से इसमें चैन दे रखी है चैन में मेरे साथ एक मतलब पंगा हुआ कि चैन जो पिक में दे रखी है ना वो दे रखी है गोल्डन साइड से तो मुझे लगा दोनों तरफ से गोल्डन होगी मतलब मैं चाहती थी दोनों तरफ से गोल्डन हो पर जब मैंने ये पैकेट ओपन किया तो रंग बिरंगी सी चैन चैन निकली तो कोई बात नहीं कलरफुल चैन के बाद भी अच्छा लग रहा है ये सेम बैग मैंने ज़ारा पे देखा था और मतलब मतलब महंगे उसमें देखा है तीन हज़ार चार हज़ार की रेंज में और इसमें चैन दे रखी है इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हो उसमें फाइव कलर्स हैं एक है आपका पीच कलर ब्लैक कलर शायद डार्क ब्लू कलर एक ये कलर जो मैं आपको दिखा रही हूँ और एक है आ, पिंक पिंक सा कलर है पिंक नहीं है आ, थोड़ा सा महरूनिश पिंक टाइप है लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों देखने में बाक़ी इसमें इस तरह की छोटी कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो बड़ा कंपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाइस बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आप नॉर्मल स्लिंग में कैरी करना चाहते हो वो सारी तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा बैग है आप इसको पार्टीज में कैरी कर सकते हो आप लंच पे जा रहे हो ब्रंच पे जा रहे हो मर्जी आपकी आप इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो गाइस ठीक है और ये जो शर्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो मैंने मीशो से ली थी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसमें मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में आपको जिसमें मैं अपनी मीशो की अदर वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आते मेरे फर्स्ट फेवरेट बैग पे एक्चुअली मेरे पास एक स्लिंग बैग था जो मैं बहुत पहले से यूज़ करती थी उसका ना मटेरियल uh, तो कुछ और था लेकिन उसमें इस तरीके की चैन थी जो चैन इसमें दे रखी है तो सब मुझसे कह रहे थे कि यार तेरा बैग ख़राब हो जाना ना वैसे चैन हमें दे दियो वो बैग मैंने आज तक रखा हुआ है क्योंकि उस बैग की ये चैन इतनी सॉलिड होती है कि मैं उसको क्रॉस करके डालती थी अगर मुझे ज़्यादा पैसे कैरी करने होते थे तो मैं हमेशा उस बैग को यूज़ करती थी कोई बैग छीने मतलब मुझे ले जाना पड़ेगा पैसे ले जाएंगे मेरे पास वो वाली हालत होती है क्योंकि ये चैन बहुत स्ट्रांग है गाइज़ इसमें तो खैर डबल दे रखी है उसमें तो सिंगल ही थी यानी कि इसमें डबल चैन है या डबल सिक्योरिटी बाकी ये बैग बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है ठीक है इसमें जो है आपको ये रेड कलर का काम दिख रहा है ना सारे धागे का वर्क है बहुत अच्छा है और इसका ना मुझे ओपन करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा इस तरीके से आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे दोनों साइड से तो इसका ये ओपन हो जाएगा लॉक ठीक है और मैं खास से कर थी इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा था ऊपर से चैन का वेट पड़ रहा था इसलिए वरना ये बहुत स्मूथली ओपन हो रहा था तो इस तरीके से आप इसे ओपन करोगे बट बट ये है कि इसके जो कोड मेरे पास था ना इसकी मैंने सेव किया हुआ था पिक उस कोड पे अब सूट और पता नहीं क्या दिख रहा था सूट दिख रहा था हाँ सूट या कोई लॉन्ग ड्रेस तो मैंने इसकी तरह का कोई एक और बैग आगे मैंने पिक लगाई उसी का कोट दिया है वो बिल्कुल सेम बैग है बस उसमें बीच में एक चैन का पैटर्न और एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं जो कि डिवाइड कर रही है ये बीच की चैन का कंपार्टमेंट तो इसमें भी सामान काफ़ी ज़्यादा आएगा ओब्वियसली स्लिंग बैग में इतना कैरी नहीं करोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा वेट लगे बाकी बहुत प्यारा स्लिंग बैग है मैं इसे आगे दिखा दूँगी मैंने इसे किस तरीके से कैरी किया है बट मेरा मोस्ट फेवरेट स्लिंग बैग ये है वाइट है लेकिन तो इसे आपको बहुत ही एहतियात से रखना पड़ेगा यानी कि इसको आप बिल्कुल गंदा मत करना वरना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा बाकी आगे जो मैंने इसकी पिक लगाई है ना जो जिस पैक की इसकी जगह उसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं येलो वाइट ब्राउन ब्लैक वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन एक प्योर येलो लेकिन इसका मतलब डिज़ाइन अलग है लॉक अलग है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ आप ये देख सकते हो इस पैक में इस पैक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों का मटेरियल और लुक बहुत अच्छा है दोनों की चैन भी सेम है तो आई हाईली रिकमेंड दिस स्लिंग बैग अगर आपको इस तरह के हॉल देखने हो तो गाइस मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना बाकी मैं इसके क्लोथिंग हॉल जल्दी लाऊंगी मीशो का दिसंबर में मैंने काफ़ी टाइम से मीशो का क्लोथिंग हॉल नहीं किया है तो आते हैं मेरे नेक्स्ट स्लिंग बैग पे जो कि है ये स्लिंग बैग तो नहीं कहूँगी इसे मैं प्रॉपर बैग है ये इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोट, छोटा नहीं है बाकी इसके जो बैग के हैंडल्स से रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे और उसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट और हल्का सा शाइनी है इसमें इस तरीके से आप दे रखा है जिसमें कि आप लॉन्ग बेल्ट लगा सकते हो पीछे इसमें ये चैन दे रखी है जिसमें आप कुछ भी ऐसा रख सकते हो जो आपको एकदम से चाहिए हो ठीक है हैंग की हो जाता है थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं इस तरीके से टिशू पेपर भी बाकी इसमें दो कम्पार्टमेंट्स दे रखे हैं सेपरेट और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं और ये बैग बहुत क्यूट सा बैग है इसमें जो साइड में पॉम्पॉम्स ही है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी टू तो बी ऑनेस्ट मुझे वही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस बैग पे बाकी आपकी मर्जी आपको निकालना है नहीं समझ में आ रही है तो आप निकाल सकते हो चैन को खोल सकते हो मतलब तोड़नी पड़ेगी खुलेगी नहीं तो ये दो चैन जो दे रखी है ना सेपरेट आप इसे खोलोगे इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है आप देख सकते हो उसमें काफ़ी सामान आ सकता है आप सेपरेटली रख भी सकते हो कि एक जगह आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई और एक जगह लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई तो इस तरीके से दो कंपार्टमेंट है इसमें ये लॉन्ग सी बेल्ट है जिसे आप लगा सकते हो अगर आपको उस तरीके से कैरी नहीं करना बाकी मैं आगे आपको दिखा दूँगी कि मैंने किस तरीके से इसे कैरी किया है और गाइस ये बैग सच में बहुत अच्छा है इसमें कलर्स बहुत बहुत सारे अवेलेबल हैं ठीक है तो कलर्स की वेराइटी इसमें बहुत है कम से कम मुझे लगता है सात आठ कलर्स इसमें अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर परचेज़ कर सकते हो मुझे सबसे अच्छा कलर वैसे यही लगा था तो ये है कोड ये है प्राइस तो आपको लेना हो तो ये कोड मैं बता दूँ मीशो पे जाने के बाद सिर्फ नंबर्स नहीं डाले जाते कोड के पहले एस लिखा जाएगा फिर ये लगाया जाएगा डैश यानी माइनस बोल देती हूँ मैं आगे फिर पूरा नंबर लिखा जाएगा फिर सर्च किया जाएगा तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपके सामने आएगा तो आते हैं मेरे नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट पे जो कि है ये प्रॉपर बैग इसका मुझे सबसे अच्छा लगा इसका प्रिंट इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और जो ये किश्श लिखा हुआ है ना इसको तो मैंने पक्का निकालने वाली हूँ मैं से जब यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे फालतू की चीज़ें नहीं लगानी मतलब अगर बैग लोकल है तो दिखाने की जरूरत क्या है कि वो लोकल है ये तो मतलब को दिखाने वाली बात होगी ना किश तो उन्होंने ऐसे लिखा है तो पता नहीं बहुत ही हाई एंड ब्रांड का नाम हो मतलब डुप्लीकेसी देनी थी तो किसी अच्छे ब्रांड का नाम दे देते यार खैर इसकी जो हैंडल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कि इसका प्रिंट ओवरऑल बहुत प्यारा है इन रियल दिस बैग इज़ ब्यूटिफुल मतलब मैंने थोड़ा सा ना ब्राइटनेस ज़्यादा कर रखी क्योंकि इधर अंधेरा आ रहा था मुझे आपको प्रॉपर्ली इसकी सारी दिखानी थी पॉकेट्स वगैरह बाकी वाइट कलर थोड़ा सा ना वीडियो में बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे आता है बहुत ही चमका चमका सा इस तरीके से आप इसे ओपन कर लोगे इसमें एक सेपरेट कंपार्टमेंट है पूरा मतलब चैन है मतलब कि प्रॉपरली तो अंदर आप देख सकते हो उसमें कितना ज़्यादा स्पेस है इवन दो छोटी छोटी आपकी स्टोरी बुक्स भी आ जाएंगी इसमें और अंदर एक छोटी दे चैंदे है जिसमें आप अपना इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हो जैसे कि जो लिपस्टिक आपने लगाई है तो उसे आप सबसे ऊपर अलग से रखोगे ऑब्वियसली जैसे दोबारा लगानी पड़े तो आपको ईजीली उसमें मतलब आप अप्रोच कर सको उसे बाकी क्या है कि ये जो इसमें सामान है आप इसमें कितना सामान रख सकते हो आप जानते भी नहीं हो बहुत स्पेशियस बैग है मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ उसमें भी कलर्स अवेलेबल है कॉम्बिनेशन में तो इसका है ये कोड नंबर तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जिन्होंने मेरी मीशो की वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो सिर्फ दस हज़ार व्यूज़ क्रॉस किया है बस लिंक मैं दे दूँगी प्लीज़ जाके देख लेना इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार देना वीडियो को तभी मैं मीशो के और हॉल लाऊँगी प्लीज़ तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे कल ही तब तक के लिए बाय